अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने घर पे बनाऊंगी केक, चॉकलेट केक। तो उसे 85 रुपये इन्वेस्ट किया है। अंडा, बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस मैंने लिया है। तो सबसे पहले 1 कप चीनी लिया और फिर मैंने उसे मिक्सी में पीस दिया। और दो अंडा को और पिसा हुआ चीनी को मैंने इस तरह से मिक्स किया। फिर उसके बाद 20 वाला एक डेयरी मिल्क लिया था, तो उसको मैं पिघलाने के लिए गैस पर चढ़ा दी इस तरह से। ये चॉकलेट मेल्ट हो रहा है अब। थोड़ी देर में बस चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम लोग उसको यूज़ करेंगे। ये देखिए, चॉकलेट मेल्ट हो गया है पूरा। ये अलग तरीका है मेल्ट करने का, नीचे में पानी रख कर के इस तरह से। फिर उसके बाद वनीला एसेंस को मैंने 1 चम्मच डाला उसमें, चीनी और अंडा के मिक्सचर में। थोड़ा सा गिर भी गया हमसे, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मक्खन लेंगे हम, और मक्खन फिर उसमें डालेंगे। अभी मैदा यूज़ नहीं करना है। मैदा मैंने अलग से निकाल करके रखा है, एक प्याला मैदा, छोटा प्याला का, लेकिन अभी उसको नहीं मिक्स करना है। आप लोग देखिए पूरा वीडियो, बहुत ही खूबसूरत केक बन के रेडी होने वाला है। चॉकलेट केक बनाऊंगी मैं आज। यह अब अच्छा से मिक्स हो गया। मैं ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी भी केक नहीं बनाया है। इसके बाद बटर डालेंगे। थोड़ा सा बटर मैंने रख दिया है क्योंकि वो जिसमें जमाएंगे केक, तो उसी का साइड साइड में लगाने के लिए। और फिर उसके बाद चॉकलेट को भी उसमें मिक्स कर देंगे। साइड में देखिए, अभी तक मैदा यूज़ नहीं हुआ है, साइड में मैदा रखा है और थोड़ा सा दूध भी लिए हैं, वो भी मिक्स करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने वनीला एसेंस और बेकिंग पाउडर भी मिक्स कर दिया था, वो मैं बोलने भूल गई आप लोगों को।
फिर उसके बाद दूध को भी मिक्स करेंगे उसी में। फिर उसके बाद पूरा पेस्ट को मैदा में मिला देंगे ऐसे ही। देखिए मैदा सबसे लास्ट में मैंने मिक्स किया है। पता नहीं ये रेसिपी सही भी है कि गलत है, लेकिन मैंने तो यूट्यूब में देखा था, ऐसे बनाना सिखा रही थी तो मैंने उसी को देख देख के बस बनाया। फिर उसके बाद सबको अच्छे से मिक्स कर दिया और कुकर में ज़रा सा पानी डाल करके कुकर को गर्म करने के लिए छोड़ दिया मैंने। फिर उसके बाद मक्खन को मैं साइड में लगाना भूल गई थी बाउल के, तो इसीलिए जो मक्खन मैंने छोड़ा था उसको मतलब उसी के ऊपर रख दिया। पर अब केक रेडी हो गया है कम से कम 15-20 मिनट के बाद। तो टूथपिक मैंने बता, टूथपिक बिल्कुल साफ़ निकला है। देखिए केक पूरा रेडी हो गया है। अब हम लोग इसको दो लेयर में कट करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से चॉकलेट से सजाएंगे। बहुत ही खूबसूरत केक बनने वाला है, आप लोग देखिए ज़रूर। टन टन जा, केक तो सेट ही नहीं हुआ सही से, इतना पिघला पिघला क्यों है भाई। अब मैं क्या करूं, पूरा मेहनत बर्बाद हो गया मेरा।